लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। नारी जागरण सेवा संस्थान द्वारा थाना रसूलपुर चौराहे पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें जिसमें सभी वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए थाना रसूलपुर पर एक प्रोग्राम आयोजित किया। बता दें नारी जागरण सेवा संस्थान के सचिव ने बताया है कि हम उन लोगों को फूल देकर अपील कर रहे हैं जो लोग बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं या बिना सीट बेल्ट के कार चला रहे हैं, और कहा कि हम उनसे ये भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग यातायात नियमों का पालन करें। वहीं गुजर रहे बाइक सवार और कार सवार लोगों को यातायात नियमों के पैम्पलेट भी बांटे। फिरोजाबाद से मकबूलुद्दीन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सभा है। कि आज आपके द्वारा रसूलपुर थाने पर किस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया? हम लोगों ने जो प्रोग्राम आयोजित किया तो उसका मेन मोटो ये था कि हम लोग लोगों को ट्रैफिक के रूल के प्रति जागरूक कर सके, वो लोग उस रूल को फॉलो करें। तो आपने किस चीज को देकर संदेश दिया है? हम लोगों ने लोगों को फूल देके एक तरह से संदेश दिया है कि आप पनिशमेंट सभी देते हैं, पनिशमेंट से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, वो आगे निकल जाते हैं फीस देके। हम लोगों ने रियलाइज कराया है कि आप बिना हेलमेट के जो चलते हैं ना, उससे आप ही का नुकसान होगा। फूल देके उन्हें ये सम्मानित किया है। क्या नाम है आपका? के शर्मा, सचिव नारी जागरण सेवा संस्थान फिरोजाबाद की तरफ से आज थाना रसूलपुर फिरोजाबाद में एक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का उद्घाटन थाना अध्यक्ष द्वारा किया गया। और हम लोगों का एक प्रयास है कि जो लोग बगैर हेलमेट के सड़कों पर चल रहे हैं और हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं बांधे हैं, उन लोगों को रोक कर आज हमने फूल देकर हमारे संस्था के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को गुलाब के फूल दे देकर और बहुत सम्मान के साथ उनसे कहा गया है कि आप सीट बेल्ट हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल करें और सुरक्षित घर पहुँचें, क्योंकि घर पे आपके इंतजार कोई कर रहा है, शायद रास्ते में ही आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। ये संस्था का प्रयास है और संस्था ऐसे शहर के अंदर BCO कार्यक्रम चालू कर चुकी है और उसी के क्रम में आज थाना रसूलपुर में किया गया है। सोमवार को आशाबाद चौराहे पर किया जाएगा।